क्यों बोली करे अपना यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे कर ले सोच विचारे। ऐसे भंडारे चल रहे कहां कहां से दुखी आत्मा आती है, यहाँ आते 90% शांति उनको ये हो जाती है, किसी चीज की असुविधा नहीं, तो 90% टेंशन यहाँ आते खत्म हो जाती है। ऐसे स्थान पर किया हुआ दान, कहते धर्म तो दस का नहीं, दस का माने नाश नहीं होता ऐसे किए हुए पुण्य का, और दस के तीनों लोक खैर आए तो मैं खैर है कीजिए आत्म भोग। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं दसवां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे, गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जय, गुरु की आज्ञा माहे रही जय, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अपनात्मा हम भक्ति अध्यात्म मार्ग से अपरिचित होने के कारण भटक रहे थे, हम पुण्य दान भी करते थे पर प्रतिफल नहीं मिल रहा था। अब गुरु के बिना किया हुआ दान कभी सफल नहीं होगा, ये भगवान का आदेश है। आपको अब गुरु मिले हैं, विश्व में गुरु नहीं, ठीक है, वैसे तो जैसा कर्म करोगे यहाँ का भी दान फल मिलेगा। जैसे किसी ने भंडारे कर दिए, कोई कबूतर को पक्षियों को दाने डाल दिए, कहीं कंबल बांट दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी। अब दोनों बात कहते हैं परमात्मा के गुरु के बिना किया हुआ दान आपको कोई लाभ नहीं देगा। फिर ये भी कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, जैसा करेगा वैसा मिले भीगा। अब जैसे कोई सेठ साहूकार बना हुआ है, उन्होंने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, बहुत से अनाथों को भोजन खिला दिए, तो फिर क्या होगा, गुरु मिला नहीं, मिले तो नकली मिले, तो अगले जन्म में वो ऐसा किया हुआ उसको मिलेगा, क्योंकि फिर वो क्या बनेगा, कुत्ते की योनि में जाएगा, और कुत्ता बनेगा अच्छे कोई ऑफिसर के किसी सेठ के घर पे, वो किया हुआ मिलेगा उसको। अब उसका ड्राइवर तो होगा मनुष्य, और वो कुत्ता बैठेगा कार में पिछली सीट पे मालिक गाड़ी पे, और मालिक चला मनुष्य चला रहा होगा और कुत्ता बैठा पिछली सीट पर झांकी में खिड़की में देख रहा है ना ठाट से, और अलग से कमरा होगा उसमें एसी लगा होगा, महीने में 2-3 बार वेटरनरी सर्जन उसको चेक करने के लिए आता। अब उस मूर्ख ने जो दान किया था वो दे तो दिया भगवान ने, पर मिला कुत्ते की योनि में, और आज्ञा के बनेगा फिर सूर बनेगा, फिर क्या सुविधा पाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु जी के माध्यम से किया हुआ दान, और गुरु मिल गया तो दान दान के फिर सारा कुछ ही होगा, वहाँ तो मोक्ष भी मिलेगा, मंत्र भी मिलेंगे, या तो पार हो जाएगा, पार नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन मिलेगा उसको, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो परमात्मा भटक ही रहा है, फिर ढूंढेगा आपका। लेकिन प्रार्थना आपसे की जाती है कि इस जन्म को आगे मत बढ़ाना, इसको फाइनल कर दो, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये साधना ना मिलने से आप ऐसे भटक रहे हो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तू पेंडा पंत पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि इन साधनाओं को करके और फिर 84 लाख योनियों में गधे की योनि को प्राप्त हुए, आपकी क्या बुनियाद है पुण्यात्माओं, आप इस मार्ग को ग्रहण करो जो अब आपको परमात्मा द्वारा दिया गया। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जय, गुरु की आज्ञा माहे रही जय, गुरु सुर तुरु सुर धैनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। अब गुरु जो होगा वो सुर तुरु
जैसे हम सुना करते आका स्वर्ग में कहते हैं कि कल्प वृक्ष है, देवताओं का वृक्ष, तो यहाँ कहते हैं गुरु, जो गुरु होगा, बाकी नकली तो हैं ये कख भी नहीं इनके पास, गुरु सुरतुरु यानी देवताओं का वृक्ष और सुरधेनु जिसको कामधेनु कहते थे, देवताओं की गाय यानी जो मांगे जब दे दे उसी समय दूध दे दे तो सब सब मनोकामना पूर्ण करे। तो कहते हैं गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना पाव चरण मुक्ति परवाना, तन मन धन अर्प गुरु सेवे हो गलतान उपदेश ही लेवे, सतगुरु की गति हृदय धारे और सकल बकवाद निवारे। गुरु जी की गति यानी जो मार्गदर्शन करते हैं, जो स्थिति वो बताते हैं भगवान की, उसी को फाइनल करे, किसी अपनी तरफ से जो भरा हुआ गंध है पहले का उसने छोड़ दे, अब वो अगरम मगरम इस मार्ग में नहीं चलेगी, आपको बाधा कर देगी। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे सो सिसरेनी गेनी सुख ले। अब आपको बहुत बार सुनाते हैं जब रामानंद जी से परमात्मा मिले और उसके चेलों की उन्होंने बहुत सी छक्के छुड़ा दिए थे, फिर रामानंद जी के सामने पेश किया गया तो परमात्मा ने उनसे पूछा था आप कौन हो, आपका क्या नाम है, तो परमात्मा ने कहा था जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंत, दास गरीब लिखित पढ़े मेरा नाम कबीर कंठ। फिर कहा था हम यलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खा लिख दनी हमरा नाम कबीर। तब रामानंद ने कहा था कि तू ममन का पाल हुआ और त्रजुल के गर्भवास और इतनी तू बकवास कर रहा है, तो तेरी माँ का पता ना कुजात, तू झूठ बकवास कर रहा है, तो भगवान कहता अपने आप को, तो हाथ जोड़ के विनम्र भाव से वो धमका रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनको गुरु धारण कर लिया था और एक अच्छे से इसकी परमात्मा क्वालिटी बता रहे हैं, रिहर्सल करके वो गाली दे रहे हैं, धमका रहे हैं और वो विनम्र भाव से खड़े हैं कि आप जो कह रहे हो सिर्फ श्रोधारी है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ गुरुदेव वह भी सच्ची मान लेना कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक तनी हमरा नाम कबीर। जब परमात्मा ने वहाँ उसको दिखाया उस दिन उसको उनको दृढ़ भी हो गया कि सचमुच वास्तविकता ये। तो यहाँ कहते हैं गुरु के सम्मुख वचन ना कहे सो शिष रेणी गैणी सुख ले, गुरु से शिष करे चतुराई सेवाहीन नरक में जाई। यानी जो गुरु के साथ चतुरता दिखाता है बकवाद करता है, क्योंकि आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो और कितने आपने बोलने का तरीका हो, इस दास से अधिक आप साधनम नहीं हो सकते, ये विचार फाइनल कर लेना। क्योंकि जो ज्ञान आज दास को प्राप्त है, सभी नहीं, एकादा जो नए नए आते हैं उनमें थोड़ी सी त्रुटि होती है, और दास के जो वचन हैं ये कॉमन इंजेक्शन है सबके लिए, जिसके जिसमें जो त्रुटि होगी वही असर करेगा यू और बाकी सतर्क होंगे। तो इसलिए गुरु जी को परमात्मा के तुल मान के इस भक्ति जीव मार्ग को, भक्ति के सफर को तय करोगे तो बहुत आसानी से सफल हो जाओगे और आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।